दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। शेयर चैट की हर एक वीडियो आप मेरे ही थ्रू देखते हो, ये मुझे अच्छी तरह पता है। और मेरे अलावा चैनल पर कोई और नहीं डालता है शेयर चैट की वीडियो, ये भी मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन एक गलती आप हमेशा करते हो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है वो पहले तो सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है भाई वो साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दे, ताकि दोस्तों मैं कुछ भी वीडियो डालता हूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना जरूरी है उसका। क्योंकि शेयर चैट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे ही शेयर करते हो और मैं उसके बाद उस पर वीडियो बनाता हूं, या फिर आपको वैसे भी मैसेज का रिप्लाई मैं कर देता हूं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी शेयर चैट पर रैंकिंग होती है वो रैंक आपकी कम क्यों हो जाती है। बहुत से लोगों का कमेंट था मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और वीडियो बनाने के बाद आप तक उसको पहुंचाऊं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं यही वाली बात करने वाला हूं। तो यहां पे हम जैसे कि देख पाएंगे कि शेयर चैट पर आप जैसे कंटेंट बनाते हैं, मान लो आपने एक कंटेंट बनाया, दो कंटेंट, तीन चार पाँच, आपने पोस्ट आपने 10 या 20 या 50 आपने ऐसी पोस्ट डाल दी जिसके वजह से आपको स्कोर मिलता है 1200, 1300, 1400। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप एक दिन दो दिन बाद देखोगे तो जो 1400 स्कोर है वो स्कोर आपका कम होने लगता है। तो वो कम क्यों होता है, आज के टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं। तो वो कम होता है इसलिए कि आप उसको कंटिन्यूसली नहीं लेके चल रहे होते हो। तो कंटिन्यूस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूस कैसे लेना है कि मान लो अगर आपने एक दिन में 10 पोस्ट डाले हैं तो अगले दिन आपको 10 नहीं तो कम से कम 8 पोस्ट आपको डालने हैं। क्योंकि जो लोग अब आपको देख रहे हैं, जो आपको वॉच कर रहे हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उन तक वीडियोज़ का जो आप वीडियोज़ डालते हो, जो आपका पोस्ट होता है, वो पोस्ट की नोटिफिकेशन उन तक पहुँच जाती है, तो वो उसको भी व्यू कर लेता है। लेकिन कभी ऐसा होता है आपने 10 पोस्ट आपने आज डाल दिए, लेकिन कल क्या कर रहे हैं आप, वही 5 कर दिए पोस्ट। परसों हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, और टाइम ना होने की वजह से आपने 2 ही पोस्ट डाले, या हो सकता है उस दिन पोस्ट ही ना डाले, उससे अगले दिन आप फिर 10 पोस्ट डाल रहे हो, फिर आप 2 पोस्ट पे आ गए, फिर 1 पोस्ट पे। तो इसकी वजह से भी रेवेन्यू जो होता है वो भी आपका बढ़ता घटता रहता है, यानी कि जो आपकी पेमेंट अर्निंग होती है उसमें भी आपका उतार चढ़ाव होता रहता है। सेम बात वही है, स्कोर भी आपका रैंकिंग से ही मतलब करता है, और स्कोर जो है आपका वो भी आपका अर्निंग से टर्न करता है। तो स्कोर और अर्निंग, ये मान लो ये आपकी अर्निंग है और ये आपका स्कोर है। अगर आप कंटिन्यूसली नहीं चल रहे हो तो ये भी आपका अनबैलेंस होगा और ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कंटिन्यूस अपने पोस्ट ज़रूर डालने हैं, और पोस्ट जब भी आप डालें, मान लो आज आपने पोस्ट डाला है आज 10 बजे, तो आपको कल भी अपना पोस्ट 10 से 11 के ही बीच डालना है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सब लोगों के लिए, जो भाई इस बात को समझ गया, समझ लो उसकी अर्निंग एक सेट पर बन जाती है। अब ऐसा क्यों है इसकी भी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा और सोचूंगा उसमें आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी दे पाऊँ उस चीज़ की। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर वाकई पसंद आती है तो मुझे उसको लाइक कर दे करो, ताकि मुझे और हौसला मिल जाए कि यस आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और दूसरी चीज़, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं यार, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दो। और उसके बाद भी एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, शेयर चैट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपके सामने आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, तो वो सारी की सारी वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, आई बटन पे भी ऊपर आ रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे चैनल में आप जाके देखोगे तो ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो शेयर चैट पर हैं। तो आप जाओ विजिट करो, उन सारी वीडियोज़ को देखो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय।